मित्रता किसे कहते हैं? पहले मैं एक बात कह दूं, दो मित्र थे, मित्रता का मतलब मित्रता ही नहीं है, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम, चाहे वो मित्र मित्र में हो, चाहे भाई भाई में हो, चाहे किसी में भी, प्रेम क्या होता है? दो प्रेमी जा रहे थे, मित्र थे, रास्ता में जंगल में अचानक क्या हुआ, एक के कांटा लग गया, थक गए थे, एक लेट गया, एक बैठ गया, बैठ जो बैठा था उसकी घुटने पे सिर रख के दूसरा सो गया। तो वहां जंगल में एक सांप आता है, नाग विषधर, उसने दूर से ही हाथ जोड़ करके इशारा किया कि भाई मेरा मित्र जो है नींद में है, इसे मत काटो। बोले मेरा इसका वैर है, मैं इसे काटने आया हूं। हाँ, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो एक काम करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी प्रेम को देख करके मान रहा हूं, लेकिन तुम एक कृपा करो कि मुझे इसकी गर्दन में से दो बूंद खून की दे दो, अब मेरी जीभ पे डाल दो, तो मैं समझूंगा कि मेरा बदला पूरा हो गया, क्योंकि मैंने जब इस मेरा जो दुश्मनी थी तो मैंने सौगंध खाई थी कि मैं उसका खून पी के रहूंगा। यदि मैंने दांत गाड़े तो गया काम से, लेकिन खून निकल करके मेरी जीभ पे गिर जाए तो मेरा ये प्रण पूरा हो जाएगा कि मैंने इसका खून पिया। ठीक है, तो वो जो मित्र था उसने अपनी जेब में से एक छोटा सा चाकू था वो निकाला, गर्दन पे काटने खून निकालने के लिए गर्दन की तरफ ले ही जा रहा था, इतने में बाकी आंखें खुल गईं। अब सोचो काऊ को चाकू गर्दन की तरफ आ रहा हो, बाकी आंख खुल जाए, कल्पना करना जरा। लेकिन जो हम कल्पना कर रहे हैं वो नहीं हुआ, उसने देख करके आंखें ज्यों की त्यों बंद कर ली, उसने खून निकाल करके नाग को पिला दिया, नाग चला गया। उसके बाद वो उठा और बोले चलें भैया कि चलो। अच्छा, इसने भी समझ लिया था कि इसकी आंखें खुल गई थी, देख लिया था इसने, थोड़ी दूर जा करके फिर इसने खुद ही पूछा कि तूने मेरे चाकू को देख लिया था? बोले हाँ देख लिया था। तुझे गुस्सा नहीं आई तेरी गर्दन पे चाकू चलाने के लिए मैं ले जा रहा था? तो इसने बहुत प्यारी बात कही, मैंने मित्रता की है, कोई व्यापार नहीं, तू मेरी गर्दन काट भी देगा ना, मैंने कोई सौदा नहीं किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मित्रता, मित्रताओं के कई उदाहरण हैं, लेकिन मैं यहां एक ले रहा हूं, सुग्रीव और भगवान राम। और वहां मित्रता ऐसे नहीं भाई, वहां मित्रता बीच में आग जलाई गई और बाकी सामने बैठ के दोनों को, दोनों से सौगंध खाई, राम जी ने और बोलो बोलो सुग्रीव ने, और बाकी गवाह थे वहां, अग्नि को साक्षी माना, ऐसी मित्रता थी। उसके बावजूद भी सुग्रीव ने गद्दारी की, पावा राज कोसपुर नारी और सुग्रीव सुध मोर विशारी, अपना काम बनता और भाड़ में जाओ। अरे जनता भाड़ में जाओ तो कोई नहीं बांध, तो भगवंता थे कहते भाड़ में जाओ भगवंता है, अपना काम बन गया, अब तो फुर्सत ही नहीं उसे। मित्रता को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मित्रता है राम सुदामा और श्याम जैसी, न कोई साक्षी है न कोई लिखा पढ़ी है, वो तो दिल का संबंध है। जो मित्रता लिखा पढ़ियों पे चल रही हो, गवाहों पे सबूतों पे चल रही हो, वो मित्रता दो कौड़ी की है, वो कभी पार पटकने वाली है ही नहीं। छोटी छोटी बातों में संदेह हो जाता हो, छोटी छोटी बातों में शंका हो जाती हो,
ऐसा प्रेम कितने साल टिकेगा? लेकिन ये मित्र का प्रेम ये होता है, बोले तू गर्दन काट भी देता ना तो मुझे कोई अफसोस ना था, क्योंकि मेरे मित्र ने ही तो काटी है, है? मुझे भरोसा था तू मुझे खरोंच नहीं आने देगा। तो उस मित्र की आंख में आंसू आ गए, बोला तू मुझे पूछेगा नहीं बात क्या थी? बोले मुझे क्या पूछना, मुझे ये भरोसा है कि तू मेरे साथ जब भी करेगा अच्छा करेगा, तू मेरे साथ जब भी करेगा अच्छा करेगा। एक बात बताऊं, ऐसा विश्वास हम पाल लें और सामने वाला विश्वास तोड़ेगा तो उसे हजार बार सोचना पड़ेगा, और तोड़ेगा तो अपराध बहुत ज्यादा लगेगा। तो बोले ठीक है, अब मैं अपनी ओर से बता रहा हूं बात क्या थी। उसने पूरी बात बताई कि वो सांप जो था वो तुम्हें मारने आया था, मैंने दो बूंद दे करके मैंने अपने प्रेम का अपने मित्र का सौदा कर लिया है। ये मित्रता हुआ करती है, ऐसा ही मित्रता में भी सौदा तो होता है लेकिन उल्टा, देने का लेने का नहीं, देने का। और व्यापार में सौदा होता है लेने का, इतना अंतर है। भरत जी ठोकर मारते हैं गद्दी को राम की तरफ, राम जी मारते हैं भरत की तरफ, बंटवारा तो ये भी है। और पांडवों में कौरव खींचते हैं अपनी ओर और पांडव खींचते हैं अपनी ओर, बंटवारा तो ये भी है। लेकिन कृष्ण और सुदामा के बीच में क्या बंटवारा हुआ था वो मैं आज खोलने जा रहा हूं।